हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है लाइट रूम की एक और फोटो एडिटिंग वीडियो में। आपको बेसिक वाइज फोटो एडिटिंग करके सिखाएंगे। सबसे पहले आपको लाइट पर क्लिक कर देना है, इसको आपको प्लस में 13 रखना है, हाईलाइट लाइट इसको 21 प्लस, इसको माइनस 42 रखना है, 27 प्लस, और इसको माइनस में 67 रखना है, इसको आपको माइनस में ही रखना है 1। इसके बाद हम चलेंगे कलर पर। कलर पर चलने के बाद आपको 11 प्लस करना है और इसको भी 25 प्लस रखना है, और इसको आपको एडजस्ट करके 7 माइनस रखना है। और इसके बाद चलेंगे कलर ग्राइंडिंग, कलर जिससे कि हम इससे हमारा फेस का कलर थोड़ा टोन अलग हो जाएगा, इसको हम प्लस 24 कर देंगे, इसको 23 प्लस, और इसको माइनस में रखेंगे 23। बस इतना करना है। अब आपको इसको प्लस में 25 और इसको 21 प्लस 20 25 देख सकते हो, और आपको इसको थोड़ा ज़्यादा माइनस में रखना है 50 के लगभग। मैं 59 रख लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं इसको 95 माइनस, इसको भी आपको 100 माइनस कर देना है, 25-28 प्लस कर देना है। इसके बाद 23-15-26 कर लेना है, इसको 26-15 इस तरह से आप कर सकते हो। और इसके बाद हम चलेंगे कलर ग्राइंडिंग के लिए। आपको देख सकते हो यहाँ पर हम रखेंगे इसको येलो की तरफ, क्योंकि हमें बैकग्राउंड का कलर थोड़ा येलो टाइप में चाहिए, तो और हम इसको प्लस में रख लेंगे 10। अब इसके बाद हम इसको माइनस में रखेंगे 28 या 29 जितना आप चाहिए, हम 55 रख लेते हैं। इसके बाद इसको भी हम येलो की तरफ ही रखेंगे, येलो की तरफ रखना है। ये वाले को भी आप देख लेना, आपके जो बैकग्राउंड में बढ़िया लगे उस तरफ रख लेना। मैं इसको भी येलो की तरफ रख लूँगा, और इसको आपको प्लस करने की जगह माइनस रखना है 31। इसको भी येलो की तरफ ही रखना है आपको, इसको हम स्काई के कलर की तरफ रखेंगे, ब्लू की तरफ, ब्लू से थोड़े ऊपर, और इसको येलो की तरफ रखेंगे। और माइनस 19 करने के बाद डन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद चलेंगे इफेक्ट पर, जिससे कि हमारे थोड़ा नाइट टाइप का आ जाए बैकग्राउंड, थोड़ा देख सकते हो हमने इतना ले लिया। इसके बाद हम इसको और एडजस्ट कर लेंगे, आपको भी एडजस्ट करके देख लेना। इसको इतना करने के बाद आप देख सकते हो ये हमारा काम हो चुका है। इसको थोड़ा कम कर देंगे, 31 रखना है, इसको 81-80 देख सकते हो। अब इसके बाद चलेंगे डिटेल पे, जिससे कि हमारा फेस स्मूथ होता है। आपको इसको 2 प्लस, इसको 100, इसको भी 100, इसको प्लस, और इसको 41 या 44 के लगभग रख लेंगे हम। इसको भी 100 स्मूथ में आपको इन दोनों ऑप्शन को ऑन कर देंगे, जिससे कि हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। अब इसके बाद चलेंगे हम इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर, इस पर आपको प्लस वाले पे चलना है। इसके नीचे स्क्रॉल करके कलर रेंज को सिलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा एक जैसा कलर हो जाए। हम इसको कलर रेंज को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ये जहाँ से भी हमारा बैकग्राउंड का थोड़ा डार्क बने है, तो हम यहाँ भी थोड़ा येलो करना चाहेंगे, तो इस तरह से हम इसको भी बढ़ा लेंगे, ग्रीन येलो टाइप में रखेंगे इसको, तो हम इसको प्लस कर लेंगे आप देख सकते हो। और इसको आप जहाँ भी रख के देख सकते हो, नहीं तो जहाँ है वहीं रख लेना। आपको ऊपर ही सेटिंग को ही करना है जो मैंने किया, और आप अपने बैकग्राउंड के हिसाब से भी कर सकते हो आपका जो बैकग्राउंड है। अब इसके बाद सेकंड वापस